मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और समझते हैं कल का जो दैनिक राशिफल है, दैनिक लगन फल है, वो क्या कहता है मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल का जो पंचांग है उसमें कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, चंद्रमा कहाँ रहेंगे, इन सभी चीजों को देखेंगे। तो कल जो है अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और नक्षत्र जो रहेगा पुनर्वसु नक्षत्र 11:56 रात्रि तक रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पुनर्वसु के जो स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जबकि पुष्य नक्षत्र के स्वामी जो है शनिदेव बनते हैं। चंद्रमा 5:18 तक मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मेष लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आज आप ऊर्जावान रहेंगे, आपको अपने रुके हुए कामों को पूरा करने का अवसर भी प्राप्त होगा और जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय कल के दिन नहीं लेना चाहिए। आज कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जल्दीबाजी में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी निर्णय लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। आज दिन आपको खुशियों भरा परिणाम देने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 75% तक का दिन आपके फेवर में रहेगा। शुभ अंक 9 और शुभ रंग पीला बन रहा है। उपाय के लिए आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए जिससे कि दिन अच्छा बीते। वृषभ लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए आज का दिन आपके पक्ष में होगा। आर्थिक धन लाभ की संभावना भी बन रही है। छात्रों को पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। परिवार में ओवरऑल कहा जाए तो खुशियों का माहौल बना रहेगा और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जीवन में कहा जाए तो तरक्की के योग बन रहे हैं, प्रमोशंस के योग बन रहे हैं, आपको सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 70% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी बन रहा है। उपाय के लिए गणेश जी की आराधना आपको करना चाहिए जिससे आपका दिन शुभ बीतने वाला है। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, मिथुन लग्न। देखिए मिथुन लग्न वाले जातकों का जो ओवरऑल दिन है वो अच्छा व्यतीत होगा। स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होगा और धन संग्रह करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। पुरानी कुछ परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। नए प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और कुल मिलाकर कहा जाए तो 70% तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग भूरा बन रहा है। उपाय के लिए सूर्य देव की आराधना करें जिससे आपका दिन अच्छा बीतेगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, कर्क लग्न। देखिए अपने जीवन को अग्रसर बनाने में आप सक्षम रहेंगे। व्यर्थ के खर्च से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष से आपको निराशा हाथ लग सकती है। अपने सपने को पूर्ण करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ के करें। परिवार में खुशियों का वातावरण हालांकि बना हुआ रहेगा और कुल मिलाकर कहा जाए तो 72% तक का समय आपके फेवर में रहेगा। शुभ अंक 2 और शुभ रंग ग्रे बनता है। उपाय के लिए गरीबों की सहायता कीजिए जिससे आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, सिंह लग्न। देखिए आज का दिन आपको मिश्रित परिणाम देने वाला है। आज का दिन आपको खुशियों से
भरा हुआ रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सामान्य परिणाम ही देखने को मिलेंगे। कार्य व्यवसाय के सिलसिले से यात्राएं भी कल के दिन हो सकती है। दिन भर की जो व्यस्तता होती है उसके बीच परिवार वालों के साथ कुछ अच्छे पल भी आप व्यतीत कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 78% तक आपका अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7 और शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए पक्षियों को खाने के लिए अगर कुछ दाना देते हैं तो आपके घर में खुशियों का आगमन जरूर होगा। अगले लग्न की बात करते हैं, कन्या लग्न। देखिए आज आप मानसिक रूप से चिंतित हो सकते हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में अभी भी मतभेद जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपका जो मन है थोड़ा विचलित हो सकता है। घर परिवार में भी कुछ परेशानियां बन सकती हैं। अविवाहितों के लिए विवाह के योग भी कल के दिन बन रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 74% तक आपका अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए बुध का बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपका स्वास्थ्य जो रहेगा एटलीस्ट अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न। देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सचेत रहना चाहिए। आपका व्यवहार आपके माता पिता को थोड़ा दुखी भी कल कर सकता है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। और परिवार में सुख शांति का माहौल निश्चित रूप से बना रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन 70% तक आपके पक्ष में रहेगा। शुभ अंक 9 और शुभ रंग नारंगी बन रहा है। उपाय के लिए ओम शंख शनिश्चराय नमः मंत्र का 11 बार अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए आपको कार्य व्यवसाय में आसानी से सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंग जो रहेंगे उसमें मधुरता बनी रहेगी। किसी भी परिस्थिति का सामना करने में आप सक्षम रहने वाले हैं। दूसरों की सहायता करने के लिए आप सदैव तत्पर भी कल के दिन रहने वाले हैं और आपको कोई शुभ समाचार भी कल मिल सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 79% तक अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग हरा बन रहा है। उपाय के लिए गायत्री मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके प्रमोशंस मिलने की संभावना ज्यादा बनती है। अब हम धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए धनु लग्न वाले जातकों को मिला जुला परिणाम मिलेगा। परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। घर के कार्यों को लेकर जीवन साथी से हालांकि बहस हो सकती है। आपकी योजनाओं में बदलाव अकस्मात हो सकता है और कार्य व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम कल के दिन मिलेंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको मिश्रित फल मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका दिन 73% तक अच्छा रहने वाला है। कल का जो शुभ अंक है वो 8 है और जो शुभ रंग बनने वाला वो सफेद बन रहा है। उपाय के लिए गणेश जी की अगर आप आराधना करते हैं तो प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए आज आप धार्मिक कार्यों की तरफ अधिक आकर्षित हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग में मधुरता बनी रहेगी और आप अधिक ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। अपने स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। अधिक उग्र बिल्कुल मत होइएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। तनाव को दूर करने के लिए बच्चों के साथ समय बिताइए। कल का दिन ओवरऑल 76% तक आपका अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग स्लेटी बन रहा है। उपाय के लिए गाय को रोटी खिलाइए जिससे कि दिन आपका शुभ व्यतीत होगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए आज का दिन आपके पक्ष में ही रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में उपहार इत्यादि मिलने की संभावना दिख रही है। दूसरों की सहायता करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। संतुलित आहार लेना चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो।
अपने अच्छे समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं से आपको लाभ मिलेगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलने से कई कार्य आपके पूर्ण होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 78% तक आपका अच्छा रहेगा। कल का जो शुभ अंक है वो 6 और शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए बजरंग बाण का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न। देखिए आज आर्थिक क्षेत्र में आपको बेहद सावधान रहना चाहिए। पुराने विवादों में आपको मित्रों का सहयोग जरूर मिलेगा। आपके मन को शांत करने के लिए अपना कुछ समय आप मंदिर में अगर बिताएं तो बेहद अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिएगा, आपके कार्यों में रुकावटें कल के दिन अकस्मात आ सकती है। कुल मिलाकर 70% तक का दिन अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला बन रहा है। उपाय के लिए ब्राह्मण को कुछ अगर आप दान करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कल 7 अक्टूबर 2023 कैसा बीतने वाला है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। Thank you.